अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी राउफ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट बी। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट ए कम्प्लीटली सॉल्व किया था, हर एक प्रॉपर्टी मैंने वेरीफाई करके दिखाई थी। अगर किसी भी स्टूडेंट ने वो वीडियो मिस की है तो आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, लाजमी तौर पर देखिएगा। पार्ट बी में हमें बेसिकली तीन सेट दिए गए हैं। फर्स्ट सेट है एम्प्टी सेट, बी है हमारे पास जीरो और सी है हमारे पास जीरो वन एंड टू। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें इम्प्रूव करनी है वो है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। अब यूनियन की प्रॉपर्टी है तो हम जानते हैं कि तीनों सेट्स के दरमियान हमें जो फंक्शन परफॉर्म करना है, जो ऑपरेशन हमें करना है, वो है यूनियन का। ये तो हमें कंफर्म है, लेकिन एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होगा? एसोसिएटिविटी का मतलब होता है कि आप चाहे यूनियन किसी भी तरतीब से करवाएं, मतलब कि चाहे पहले ए यूनियन बी करवाएं या चाहे बी यूनियन सी करवाएं, आंसर इक्वल आना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जब भी कोई चीज़ वेरीफाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। सो ए की जगह पर ए का सेट लिखेंगे जो कि है एम्प्टी सेट, यूनियन बी की जगह पर बी का सेट लिखेंगे जो कि है ज़ीरो, उसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर यूनियन सी की जगह पे क्या लिखेंगे, जीरो वन एंड टू। एक चीज़ आपको अच्छी तरह से पता है, जब भी मैथ्स में ब्रैकेट्स आ जाते हैं तो हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। सो इस पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे, एम्प्टी सेट का यूनियन करवाएंगे जीरो के साथ तो आंसर में आ जाएगा जीरो। अब ऊपर से ये एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे, यूनियन जीरो वन टू। अब जब जीरो और जीरो वन टू का यूनियन करवाया जाएगा तो आंसर में आ जाएगा जीरो वन एंड टू। नेक्स्ट हमें निकालनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर भी हमारे पास वही वैल्यूज़ मौजूद हैं, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ है ब्रैकेट्स का। पहले ब्रैकेट्स फर्स्ट पार्ट पर थी, अब ब्रैकेट्स किस पार्ट पर हैं, सेकंड पार्ट के ऊपर हैं। वैल्यूज़ पुट करेंगे, ए की जगह पर लिखेंगे एम्प्टी सेट यूनियन, बी की जगह पर क्या लिखेंगे ज़ीरो, फिर यूनियन सी की जगह पर लिखेंगे ज़ीरो वन टू। क्लियर? अब ब्रैकेट्स क्योंकि इस पार्ट पर हैं इसलिए पहले इस हिस्से को सॉल्व किया जाएगा। एम्प्टी सेट को एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे, यूनियन, जब इन दोनों का यूनियन करवाया जाएगा तो आंसर में आ जाएगा हमारे पास ज़ीरो वन एंड टू। जब दोनों का यूनियन करवाएंगे ज़ीरो वन एंड टू का और एम्प्टी सेट का, तो आंसर में आ जाएगा ज़ीरो वन टू। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर एक जैसा आ गया, सो हम लिखते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हम निकालने जा रहे हैं एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो ए की जगह पर ए का सेट लिखेंगे जो कि है एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन बी की जगह पर बी का सेट लिखेंगे जो कि है ज़ीरो, उसके बाद इंटरसेक्शन सी की जगह पर सी का सेट, मतलब कि ज़ीरो वन एंड टू। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक जैसी वैल्यूज़ को लिखना। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देख लेते हैं ये है एम्प्टी सेट और ये है ज़ीरो। अब एम्प्टी सेट में कोई वैल्यू मौजूद ही नहीं, इस वजह से ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी वैल्यू एक जैसी निकले इन दोनों सेट्स में, इस वजह से आंसर में आ जाएगा एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन ज़ीरो वन एंड टू को एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। अब इन दोनों सेट्स की जब इंटरसेक्शन करवाई जाएगी तो आंसर दोबारा से किस सूरत में आएगा, एम्प्टी सेट की सूरत में, क्योंकि ये तो एम्प्टी सेट है, इसमें कोई वैल्यू मौजूद ही नहीं, इस वजह से इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू है ही नहीं कि जो इसके साथ एक जैसी हो या एक जैसी सेम निकले। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपनी राइट हैंड साइड प्रूफ कर लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दोबारा से अपनी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, ए की जगह पर आ जाएगा एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन ब्रैकेट ओपन करेंगे, बी की जगह पर होगा ज़ीरो, इंटरसेक्शन सी की जगह पर आ जाएगा ज़ीरो वन एंड टू। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अपनी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इस वजह से इस एम्प्टी सेट को एज इट इज़ नीचे उतार लेते हैं। इंटरसेक्शन इन दोनों सेट्स में हम अच्छी तरह से देख सकते हैं ए की वैल्यू एक जैसी और वो है ज़ीरो, इस वजह से आंसर में आ जाएगा ज़ीरो। अब एम्प्टी सेट का और ज़ीरो की जिस टाइम पर हम इंटरसेक्शन करवाएंगे तो हम अच्छी तरह से जानते हैं इन दोनों में एक भी वैल्यू एक जैसी हो ही नहीं सकती, इस वजह से आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है, हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब अपनी थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ कर लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास तीन सेट्स मौजूद हैं ए बी एंड सी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन, सो हम लिख लेते हैं यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन अब बनानी है अपनी राइट हैंड साइड। सो ए यूनियन बी लिखेंगे, ए यूनियन बी, उसके बाद इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ए की जगह पर आ जाएगा एम्प्टी सेट यूनियन, बी की जगह पर आ जाएगा ज़ीरो, इंटरसेक्शन सी की जगह पर आ जाएगा ज़ीरो वन एंड टू। क्लियर?
अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किस क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है. सो एम्प्टी सेट तो एज इट इज आ जाएगा, यूनियन इन दोनों सेट्स में हम अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ए की वैल्यू सेम है और वो है जीरो. सो हम यहाँ पर लिख लेंगे जीरो. अब जब एम्प्टी सेट का और जीरो का यूनियन करवाया जाएगा तो आंसर में आ जाएगा हमारे पास जीरो. दूसरी तरफ हमें क्या निकालना है, राइट हैंड साइड. अब क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे. ए की जगह पे क्या लिखा जाएगा, एम्प्टी सेट. यूनियन बी की जगह पर लिखा जाएगा जीरो, ब्रैकेट्स क्लोज. उसके बाद इंटरसेक्शन, ए की जगह पर फिर से एम्प्टी सेट. यूनियन सी की जगह पर आ जाएगा जीरो वन एंड टू. क्लियर. अब एम्प्टी सेट और जीरो का जिस टाइम पर यूनियन करवाया जाएगा तो आंसर आएगा जीरो. इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट और जीरो वन और टू का जब यूनियन करवाया जाएगा तो आंसर आएगा जीरो वन एंड टू, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है सारी वैल्यूज को इकट्ठा करके लिखना. इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक जैसी वैल्यूज को लिखना. अब हम देख सकते हैं इधर भी जीरो मौजूद है, इधर भी जीरो मौजूद है, सो आंसर में आ जाएगा जीरो. अब क्या लिखेंगे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुके हैं. सो ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई. अब नेक्स्ट हमें वेरीफाई करनी है अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन. अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. क्लियर. राइट हैंड साइड लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट्स क्लोज, देन यूनियन ए इंटरसेक्शन सी एंड ब्रैकेट्स क्लोज. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. वैल्यूज पुट करेंगे, ए की जगह पर एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन ब्रैकेट ओपन करेंगे, बी की जगह पर जीरो, यूनियन सी की जगह पर जीरो वन एंड टू. जब हम यूनियन करेंगे मतलब कि दोनों सेट्स में जितनी भी वैल्यूज हैं उनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो आंसर में आ जाएगा जीरो वन टू. अब इन दोनों सेट्स में जब हम इंटरसेक्शन करवाएंगे तो हम जानते हैं ये तो एम्प्टी सेट है, जैसे कोई भी वैल्यू एक जैसी आ नहीं सकती, तो आंसर में आ जाएगा एम्प्टी सेट. नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट हमें निकालना है राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. सिंपली वैल्यूज को पुट करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ए की जगह पर एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन बी की जगह पर जीरो, यूनियन ए की जगह पर एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन सी की जगह पर जीरो वन एंड टू. सिंपली अब क्या करेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब है एक जैसी वैल्यूज को लिखना. अब इन दोनों सेट्स में कोई भी वैल्यू एक जैसी हो ही नहीं सकती क्योंकि ये तो एम्प्टी सेट है, सो आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट. उसके बाद यूनियन, इंटरसेक्शन करवाना था एम्प्टी सेट में और जीरो वन और टू में. इंटरसेक्शन जिस टाइम पर आ जाता है एक एम्प्टी सेट के साथ तो हमेशा आंसर एम्प्टी सेट ही आता है. सो एम्प्टी सेट यूनियन एम्प्टी सेट आंसर इज एम्प्टी सेट. हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं अपना पार्ट नंबर सी. पार्ट नंबर सी में हमें बेसिकली तीन सेट्स दिए गए हैं. फर्स्ट सेट है नेचुरल नंबर्स का, क्योंकि एन हमेशा नेचुरल नंबर्स को डिनोट करता है, सो वन टू थ्री एंड सो ऑन. नेक्स्ट है जी इंटीजर्स को डिनोट करता है, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री. क्यू डिनोट करता है रैशनल नंबर्स को, रैशनल नंबर्स बोला जाता है ऐसे नंबर्स को जो पी ओवर क्यू की सूरत में लिखे जा सकते हैं. जब हमने नंबर सिस्टम्स के लेक्चर स्टार्ट किए थे फर्स्ट लेक्चर में, मैंने आपको इन तीनों सेट्स का आपस में रिलेशनशिप बहुत डिटेल में समझाया था. अगर किसी भी स्टूडेंट ने वो वीडियो मिस किया, आई बटन में लिंक मौजूद है, लाजमी तौर पर वो वीडियो देखिएगा, क्योंकि जब तक आपको सेट्स की समझ नहीं आएगी, इनका आपस में रिलेशनशिप समझ में नहीं आएगा, तब तक आप ये क्वेश्चंस नहीं कर सकते. मैं हल्का सा रिव्यू कर देती हूँ, लेकिन अगर आपको डिटेल समझनी है तो आपको वो वीडियो लाजमी तौर पर देखनी होगी. मैंने बताया था आपको कि बेटा नेचुरल नंबर्स में अगर हम ऐड कर देते हैं जीरो को तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं होल नंबर्स में. होल नंबर्स में अगर हम ऐड कर दें नेगेटिव वैल्यूज़ को तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं इंटीजर्स में. और अगर इंटीजर्स में हम फ्रैक्शंस को भी ऐड कर लें तो आंसर आएगा रैशनल नंबर्स की सूरत में. इसका मतलब ये है कि रैशनल नंबर्स में तमामतर इंटीजर्स मौजूद हैं, इंटीजर्स में तमामतर होल नंबर्स मौजूद हैं, होल नंबर्स में तमामतर नेचुरल नंबर्स मौजूद हैं. अब हमने एक डेफिनेशन की थी सबसेट की. वो क्या डेफिनेशन थी, कि अगर एक सेट की तमामतर वैल्यूज दूसरे सेट में मौजूद हों तो कहा जाएगा पहला सेट दूसरे का सबसेट है. मतलब कि अगर नेचुरल नंबर्स की तमामतर वैल्यूज होल नंबर्स में मौजूद हैं तो मैं बोलूंगी नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का. इसी तरह से अगर नेचुरल नंबर की तमामतर वैल्यू इंटीजर्स में मौजूद हैं तो मैं बोलूंगी नेचुरल नंबर सबसेट है किसका, इंटीजर्स का. और अगर इंटीजर की तमामतर वैल्यू रैशनल नंबर्स में मौजूद हैं तो मैं बोलूंगी इंटीजर सबसेट है रैशनल नंबर्स का. ये क्वेश्चन करने से पहले आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इस वजह से मैंने इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर समझ में ना आए, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा. अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन.
सो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन. लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, नेचुरल नंबर्स का यूनियन करवाना है हमें इंटीजर्स के साथ. हम जानते हैं जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो हम हमेशा आंसर में बड़े वाले सेट को लिखते हैं. क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स सबसेट है किसका? इंटीजर्स का. इस वजह से जब इन दोनों का यूनियन करवाया जाएगा तो आंसर में बड़ा सेट आएगा, और हम जानते हैं बड़ा सेट है इंटीजर्स का. सो आंसर में आएगा जी, यूनियन क्यू. अब आप रीजन भी लिखेंगे. रीजन क्या है? रीजन थी कि नेचुरल नंबर सबसेट है किसका? इंटीजर्स का. नेक्स्ट क्या करेंगे? z का यूनियन करवाएंगे q के साथ, और हम जानते हैं कि q जो है वो बड़ा सेट है, इस वजह से आंसर में आ जाएगा q. और रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे इंटीजर सबसेट है किसका? रैशनल नंबर्स का. क्यों? इसकी दोबारा से एक दफ़ा मैं आपको डिटेल समझा देती हूँ. प्रीवियस क्वेश्चंस भी ऐसे हो चुके हैं लेकिन फिर भी समझा देती हूँ. अब नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो तमाम के तमाम इंटीजर्स के अंदर मौजूद हैं. यूनियन का मतलब होता है तमाम तर वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिखना. अब नेचुरल नंबर ऑलरेडी इंटीजर्स के अंदर मौजूद थे, इस वजह से आंसर में हम अगर सिर्फ इंटीजर्स भी लिखते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, अब दूसरी तरफ हमें क्या निकालना है? राइट हैंड साइड. फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. नेचुरल नंबर्स को एज इट इज़ नीचे उतार लेते हैं. जी और क्यू में से हम जानते हैं क्यू बड़ी वैल्यू है या बड़ा सेट है, इस वजह से नीचे लिखेंगे क्यू. रीज़न लिखेंगे दैट इंटीजर जो है वो सबसेट होता है रैशनल नंबर्स का. नेक्स्ट आ गया नेचुरल नंबर्स यूनियन रैशनल नंबर्स. हम जानते हैं इन दोनों सेट्स में से बड़ा रैशनल नंबर्स का सेट है, इस वजह से आएगा क्यू. साथ में आप रीज़न लिखेंगे दैट नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स. अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी क्या हो गई? इक्वल. नेक्स्ट हमें प्रूफ करनी है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन. नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन का मतलब है कि आप किसी भी तरतीब के साथ इंटरसेक्शन करवाएं, आंसर सेम आना चाहिए, आंसर इक्वल आना चाहिए. अब हम जानते हैं जब यूनियन करवाया जाता है तो हम बड़ा सेट आंसर में लिखते हैं, और जब इंटरसेक्शन की बारी आती है तो हम छोटा सेट आंसर में लिखते हैं. इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स में से छोटे नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स के होते हैं, इस वजह से आंसर में लिखा जाएगा एन. एन इंटरसेक्शन क्यों? अब इसके रीज़न क्या है? रीज़न आप खुद यहाँ पर मेंशन करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको रीजंस काफ़ी डिटेल से करवाई हैं, अब तक आपको समझ में आ जानी चाहिए थी. नेक्स्ट नेचुरल नंबर्स इंटरसेक्शन रैशनल नंबर्स. अब इन दोनों में से छोटा सेट कौन सा? इन दोनों में से अगेन छोटा सेट नेचुरल नंबर्स का, इस वजह से आंसर में आ जाएगा नेचुरल नंबर्स का सेट. नेक्स्ट आप इसके साथ यहाँ पर रीज़न भी मेंशन करेंगे. उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करनी है? फाइंड आउट करनी है राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड है हमारे पास एन इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन क्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, एन को एज इट इज़ लिख लेते हैं. जी इंटरसेक्शन क्यू की सूरत में आंसर आएगा छोटा सेट. छोटा सेट क्या है हमारे पास इन दोनों में से? तो छोटा सेट है जी. सो यहाँ पर लिख लेंगे हम जी. अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न है कि इंटीजर जो है वो सबसेट होता है रैशनल नंबर का. नेक्स्ट आ गया हमारे पास एन इंटरसेक्शन जी. इन दोनों में से छोटा सेट कौन सा? इन दोनों में से छोटा सेट है नेचुरल नंबर्स का, इस वजह से आंसर में लिखेंगे नेचुरल नंबर्स. रीज़न क्या है? रीज़न है हमारे पास नेचुरल नंबर्स सबसेट होते हैं इंटीजर्स के. क्लियर? अब दोनों साइड्स पर अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी. सो हम लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. नेक्स्ट प्रूफ करेंगे अपनी थर्ड प्रॉपर्टी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. जी इंटरसेक्शन क्यू. हम जानते हैं जब इंटरसेक्शन करवाते हैं तो छोटे सेट को आंसर में लिखते हैं, इस वजह से आंसर में लिखा जाएगा जी. अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न है कि इंटीजर्स जो है वो सबसेट होते हैं रैशनल नंबर्स का. नेक्स्ट आ गया एन यूनियन जी. जब यूनियन करवाते हैं तो बड़ा सेट आंसर में आता है, इस वजह से आंसर में क्या लिखा जाएगा? जी. और इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न यह है कि नेचुरल नंबर्स जो है वो सबसेट होते हैं इंटीजर्स के. नेक्स्ट आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है? यूनियन पहले करवाते हैं, एन यूनियन जी करवाएंगे. बड़ा सेट आंसर में लिखा जाएगा, इन दोनों में से बड़ा सेट जी का था, इस वजह से इधर जी आएगा. फिर इंटरसेक्शन एन यूनियन क्यू. बड़ा सेट इन दोनों में से क्यू का है, इस वजह से यहाँ पर क्यू का सेट आएगा. अब रीजंस लिखेंगे इन दोनों के लिए. फर्स्ट रीज़न क्या होगी? नेचुरल नंबर्स जो है वो सबसेट होते हैं इंटीजर्स की. और दूसरी रीज़न होगी नेचुरल नंबर्स सबसेट होते हैं रैशनल नंबर्स के. नेक्स्ट हमें क्या करना है? इंटीजर्स का इंटरसेक्शन करवाना है रैशनल नंबर्स के साथ. हम जानते हैं जब भी इंटरसेक्शन करवाते हैं तो छोटा सेट आंसर में लिखते हैं, दोनों में से छोटा सेट है इंटीजर्स का. दैट्स व्हाई यहां पर लिखा जाएगा z. अब इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन है कि इंटीजर जो है वो सबसेट है रैशनल नंबर्स का. अब देख सकते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुके हैं, इसी वजह से हम लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. अब लास्ट प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे. नेक्स्ट हमें डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन प्रूफ करनी है. ये लास्ट प्रॉपर्टी है. इसके अंदर क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे? एन को एज इट इज़ लिखेंगे. इंटरसेक्शन जी और क्यू में हम करवा रहे हैं यूनियन.
ऐसा ही है, यूनियन की सूरत में हमेशा बड़ा सेट लिखा जाता है, इस वजह से यहाँ पर लिखा जाएगा क्यू। रीजन लिख देते हैं, रीजन क्या है, दैट जी इज सबसेट ऑफ क्यू। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एन और क्यू में करवानी है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की सूरत में हमेशा छोटा सेट लिखा जाता है, इस वजह से आंसर में लिखेंगे हम एन। और रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे एन इज सबसेट ऑफ क्यू। नेक्स्ट हमें क्या निकालनी है, नेक्स्ट निकालनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल एन इंटरसेक्शन जी करवाएंगे। इंटरसेक्शन जब भी करवाते हैं तो छोटा सेट लिखा जाता है, इस वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे एन। उसके बाद यूनियन, इंटरसेक्शन की सूरत में हमेशा छोटा सेट लिखा जाता है, इस वजह से इनमें से भी यहाँ पर आएगा एन। नेक्स्ट एन यूनियन एन, यानी कि नेचुरल नंबर्स यूनियन नेचुरल नंबर्स, तो आंसर आ जाएगा नेचुरल नंबर्स की सूरत में। अब हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इसीलिए लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर हम साथ ही साथ इसकी कंडीशन भी देंगे, मतलब कि इसकी रीज़न क्या है कि हमने ऐसा क्यों किया है। सो हम लिखते हैं दैट नेचुरल नंबर्स इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर्स इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इसके तमाम तर पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं, हर एक पार्ट मैंने खुद सॉल्व करवाया। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।